কিনতে চলে বাঁটনে কিনে চলে তু ये पहाड़ी गाने के माध्यम से मैंने मैडम से पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हो आज, तो मैडम ने बोला कि आप क्यों पूछ रहे हो। तो हम आज जाने वाले हैं जबलपुर से 50-60 किलोमीटर दूर, घूमने के लिए अच्छी जगह है और उसके दर्शन हम बाद में करवाएंगे। तो शाम को ही हमारा प्लान बन गया था, तो अभी टाइम लगभग 1 बजने वाला है, 12:40 हो चुके, अभी अपने घर पर ही है हम और घर से निकलने वाले हैं। तो चलते हैं फिर, स्टार्ट करें जर्नी, लेट्स स्टार्ट। आज डेस्टिनेशन तक हमारे को ले जाने की जो जिम्मेवारी है वो है रनिता शर्मा पे। फ्रेंड्स, अभी हम चल रहे हैं जबलपुर दमोह रोड पे और बहुत अच्छा सीन है यहाँ पे। जबलपुर दमोह रोड पे ये आप साइड का व्यू देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर रॉक्स है ये। तो आप यहाँ का दृश्य देखिए, कितना मनमोहक है ये। फ्रेंड्स, एक कदम्बे का पेड़ है, कुछ कदम्बे के वो बीज लगे हुए हैं। तो ये वाला जो कदम्बे का बीज है ये कच्चा है, अभी हरा है, तो हरा रहता है तो इस प्रकार का रहता है, और जब पक जाता है तो ये इस प्रकार का हो जाता है। इतना सुंदर है, इसको ऐसे देखिए, इतना सुंदर है ना, इतना प्यारा है ये। वॉटरफॉल के लिए यही जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक तो ये रूट काफी कच्चा रास्ता है और रास्ते में आपको पालतू गाय वगैरह मिली है तो इनको क्रॉस करना, थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा और रास्ता भी कच्चा है तो ध्यान से चलना है आपको। अभी हम निदान कुंड के लिए जा रहे हैं और जंगल के बीच का ये रास्ता देखिए कितना सुंदर है ये। रास्ते में और भी आपको जंगली जानवर मिलेंगे तो अपना संभल के गाड़ी चलाना है आपने। और सामने का जो आसपास का व्यू है आप देख पा रहे हो, बीच में एक ऊंची सी चोटी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत शानदार व्यू है, हरियाली चारों तरफ। तो फ्रेंड्स, ये निदान कुंड से पहले एक बैरियर पड़ता है, यहाँ आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी और तभी आपको आगे एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपकी गाड़ियाँ वहीं रोक दी जाएगी। फाइनली हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, हम पहुँचे हैं निदान वाटरफॉल, जो आपको मैं सरप्राइज रखा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम पहुँचे अभी निदान वाटरफॉल, इससे आगे का क्या कुछ यहाँ पे है, कैसा कुछ है, वो सब कुछ बताएंगे। बट फाइनली मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूँ, निदान वाटरफॉल जबलपुर से 50-60 किलोमीटर दूर है, दमोह मार्ग है उसके ऊपर पड़ता है। अगर आप बाय बस आते हो तो आपको रास्ते से भी ये सीन, जो दमोह वाला जो रूट है उससे रास्ते से भी ये सीन आपको दिखाई देता है, और जबलपुर दमोह वाला जो रास्ता, बाकी आपको अपनी गाड़ी से ही आना पड़ेगा। अब कुछ कच्चा रास्ता है और यहाँ से आपको पैदल भी 1 किलोमीटर के राउंड अबाउट जाना पड़ेगा। तो आइए आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं रनिता शर्मा के साथ। आप देख पा रहे हो फेंस टाइप यहाँ पे बना हुआ है, तो ये आरसीसी का बना हुआ है लेकिन इसको वुडन शेप में ढाला गया है, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ से नीचे काफी खतरनाक रास्ता है, इसीलिए ये आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। ये यहाँ पे आखिरी स्पॉट है जहाँ तक गाड़ी आपकी आ सकती है, यहाँ से आगे पैदल ही जाना है। अभी पैदल रास्ता 1-1.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, अपनी जर्नी यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम नज़दीक पहुंचने वाले हैं अब जो निदान कुंड के, और सामने के रॉक्स का व्यू देखिए आप, कितना मनमोहक व्यू दिखाई दे रहा है आपको।
फ्रेंड्स ये काफी खतरनाक रास्ता है, अगर आप देख पा रहे हो रास्ते में पेड़ भी गिरे हैं, लंबा आदमी है तो उसका सिर भी लग सकता है इसमें ऊपर, तो थोड़ा संभल के चलिए और आराम आराम से। अभी हम बिल्कुल नदी जो है आपके जो वाटरफॉल है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं और जाके आपको पूरी वहां का व्यू हम दिखाएंगे। तो अब हम लगभग पहुंच चुके हैं इस जगह पे और ये आपको व्यूज यहाँ का दिखाई भी दे रहा होगा, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। सो फाइनली हम इस नदी पे पहुंच चुके हैं और ये आपको जो कुंड दिखाई दे रहा है इसको भैंसा कुंड के नाम से भी जाना जाता है और ये निदान वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे लोग जो है वो अपना स्नान कर रहे हैं, पानी में बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं पानी में क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। फ्रेंड्स जब भी आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे स्विमिंग का भी आप आनंद ले सकते हैं, जैसे कि आप कुछ लोगों को देख रहे होंगे स्विमिंग का आनंद ले रहे हैं, बाकी जिनको स्विमिंग नहीं आती है वो पानी का जो जल धारा है उसके नीचे बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं गर्मी में। ये भैंसा कुंड है, इसमें लोग आनंद ले रहे हैं अपने स्नान करने का क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों को। पानी थोड़ा मडी है लेकिन बढ़िया है। फ्रेंड्स ये रास्ते में हमें लैब्रा डॉग भी मिला है, तो हम इसके काफ़ी कोशिश कर रहे थे इसको घुमाने की अपनी तरफ। देखिए अब ये घूम चुका है। फाइनली हम निदान वाटरफॉल से वापस आ गए हैं और ये छोटे वाला है यहाँ पे, ये कुंड है निदान कुंड, तो इसको हम देखकर आ गए हैं। अब जो बड़े वाला है वो यहाँ से 20 किलोमीटर शायद यहाँ से आगे है। देखी लागी रोन को तेरे गाँव दी तारा रा 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 के तड़िया, तारा रा 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 के तड़िया। देखी लागी रोन को तेरे गाँव दी, देखी लागी रोन को तेरे गाँव दी तारा रा 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 के तड़िया, तारा रा 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 के तड़िया। ये सिद्ध धाम है, ये रॉक्स के बीच में बना हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह है। इसमें शिव जी की मूर्ति भी है, त्रिशूल भी बना हुआ है और आगे एक गुफा टाइप आपको देखने को मिलेगी, उसके भी दर्शन आप जरूर कर पाएंगे। देखिए ये घरों का जो स्ट्रक्चर बना है बहुत अच्छा है और गर्मियों में ये घर ठंडे रहते हैं बहुत अच्छे से। निदान कुंड से फाइनली हम वापसी हो चुके हैं और अभी आ जा रहे हैं निदान वाटरफॉल यानी कि कटंगी वाटरफॉल की तरफ। तो अभी रास्ता आगे से मुड़ेगा, भी दिखाते हैं हम आगे से कच्चा रास्ता जो मुड़ेगा मेन रोड से। तो ये कच्चा रास्ता जाता है अभी निदान वाटरफॉल के लिए और ये कच्चा रास्ता देखिए कैसे उबड़ खाबड़ है और सामने का व्यू भी आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर पहाड़ी दिख रही है आपको आगे। और काफ़ी यहाँ गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी जगह है लेकिन पार्किंग की भी यहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ेगी। सो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं निदान वाटरफॉल और ये रिवर का व्यू आपको दिख रहा है निदान वाटरफॉल वाली का, तो सामने का भी व्यू आपको दिखाई दे रहा है। ये राइट साइड में वाटरफॉल की एक और वाटरफॉल है जिसका आपको व्यू दिखाई दे रहा है। ये पैदल रास्ता काफ़ी कठिन है, लगभग 1 किलोमीटर के करीब है, इससे होके आपको गुजरना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंचने वाले निदान वाटरफॉल। ये व्यू देखिए आप रॉक्स का, कितना सुंदर व्यू है अलग अलग रॉक्स का और ये रॉक्स इस तरह से बनी है जैसे किसी ने मतलब बना के किया हो, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। सो अभी फाइनली हम रॉक्स के बिल्कुल नीचे पहुँच गए, आप देख पा रहे होंगे ये रॉक जो है काफ़ी ऊँचे ऊँचे रॉक्स है, इसके नज़दीक से बिल्कुल अभी फर्स्ट व्यू के लिए आप रेडी हो जाइए देखने के लिए और आपको फर्स्ट साइट जो है वाटरफॉल की वो दिखने वाली है। और ये आपका वाटरफॉल का फर्स्ट व्यू थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आप वाटरफॉल का, ये रहा वाटरफॉल का व्यू। सो फ्रेंड्स फाइनली वी रीच्ड हियर निदान वाटरफॉल नियर कटंगी। अभी तक आपको दूसरा वाटरफॉल दिखाया था पार वाला, ये वाला वाटरफॉल देखिए, ये देखिए आप रॉक्स के बीच में हरियाली, हरे घास, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की सुंदरता, किस प्रकार से रॉक्स में हरियाली वगैरह छाई हुई है बहुत सुंदर तरीके से। अमूमन ऐसा पहाड़ों में देखने में मिलता है, जबलपुर जैसी प्लेन जगह में इस प्रकार के व्यूज़ बहुत कम देखने को मिलते हैं और जो निदान वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। इसके दो वाटरफॉल है, एक वाटरफॉल हमने आपको पहले दिखाया बीनी है, ये दूसरे वाला जो वाटरफॉल है, और यहाँ पे भी दो वाटरफॉल है, एक आपके राइट में है वो छोटे वाला, ये बड़े वाला जो है वो लेफ्ट में पड़ता है।
इसका अगर आप रूट देखेंगे तो कटंगी से जस्ट पहले पड़ता है, लेफ्ट लेना है, और ये लगभग 1 किलोमीटर के करीब पड़ जाने से। सो फ्रेंड्स, यहाँ निदान वाटरफॉल में आज हमने काफ़ी इन्जॉय किया। आज संडे का दिन था, हम परिवार के साथ यहाँ पे आए थे और काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का। तो आप भी यहाँ पे अगर आए हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखिए कि हम भी यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे आने के लिए बरसात के दिनों में अगर आप आते हो तो ध्यान से आइए, क्योंकि बरसात में इसका जो वाटर फ्लो है वो बढ़ भी सकता है और ख़तरा भी हो सकता है। बाकी आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके पास कोई अच्छी वीडियो है वो आप ईमेल के थ्रू हमें भेज सकते हैं, उसको देखने के बाद हमें अच्छी लगी तो उसको पब्लिश करेंगे। और बाकी जो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएँ, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।